नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपवर्क से मनी कैसे विड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपवर्क पर। ये अपवर्क पर आने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको रिपोर्ट में जाना है और ओवरव्यू में क्लिक करना है आपको। ओवरव्यू में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा या वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पर जो आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पर दिखाता रहेगा। और जब आप क्लाइंट को आप वर्क सबमिट करते हैं तो यहाँ पर इन रिव्यू में आपको दिखाता है, और जब क्लाइंट रिलीज करता है पैसे तो यहाँ पर पेंडिंग में आ जाते हैं। और पेंडिंग में आने के बाद 5 या 6 दिन में आपके यहाँ पर अवेलेबल में आ जाते हैं। और जब यहाँ अवेलेबल पर चलिए क्लिक करते हैं, यहाँ अवेलेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ गेट पेड, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, बैलेंस ग्रेटर देन $100 विल बी ऑटोमेटिकली सेंड 30 अगस्त। तो यहाँ पर मैंने सेट कर रखा है अगर $100 के ऊपर होते हैं तो वो मेरे बैंक में ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पेमेंट मेथड भी सेट कर सकते हैं, वी पेमेंट मेथड। यहाँ पर आप जाकर यहाँ पर से आप ये शेड्यूल चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शेड्यूल, ये यहाँ क्वार्टरली लगा सकते हैं, इन तीन चारों में से किसी को भी लगा सकते हैं आप। या मैंने मंथली सेलेक्ट किया हुआ है, अगर $100 के ऊपर होते हैं मेरे अकाउंट में तो मंथ के लास्ट वेनेसडे में ये मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा बैंक अकाउंट में। आप चाहे तो यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वीकली क्वार्टर किसी में भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ। चलिए फिर से यहाँ पर रिपोर्ट पर चलते हैं और ओवरव्यू में क्लिक करना है। यहाँ पर ओवरव्यू में जाते हैं, यहाँ ओवरव्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ अवेलेबल पर फिर से आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर मेरा लास्ट पेमेंट भी देख सकते हैं, $223 मैंने लास्ट पेमेंट विड्रॉ किया था। और यहाँ पर अवेलेबल पर क्लिक करें, फिर गेट नाउ पर यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ गेट नाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पेमेंट मेथड सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने बैंक का सेलेक्ट किया हुआ है तो इस यहाँ पर मेरा सिर्फ बैंक ही दिखा रहा है। आप चाहें तो अपना यहाँ पेपल अकाउंट या पेनियर अकाउंट भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस मेरा $135 है, $1 से भी कम यहाँ पर बैंक की फीस पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे $135 अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो मुझे यहाँ पर $134 मेरे बैंक में आएंगे। और अगर आप चाहते हैं पूरा विड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर पार्शियल अमाउंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं, आपको कितना चाहिए यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पूरा विड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे अब यहाँ पर गेट नाउ क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर गेट पेड नाउ पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर विड्रॉ कंफर्मेशन, योर विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, ये विड्रॉ कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर विड्रॉ हो चुका है मेरा अमाउंट, यहाँ पर आपको डन करना है। आप चाहे तो यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर डन हो गया, ये देखिए यहाँ पर बैलेंस $0 हो गया मेरा। और अब हम यहाँ पर अपना मेल चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुझे अभी मेल आया है, 4:30 हुए हैं यहाँ पर अभी, ये अपवर्क की तरफ से नोटिफिकेशन आई है। यहाँ दिया हुआ है यू रिक्वेस्टेड पेमेंट $134 फ्रॉम अपवर्क डायरेक्ट टू लोकल बैंक ट्रांसफर अमाउंट।
और अगर आपने ये नहीं किया है तब आपको ये मेल आता है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, लास्ट पेमेंट मेरा $134 हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।